दोस्तों, ये मेरे जो हाथ में एल बी है, ये है NSS 6 95 डिग्री। जी हाँ, NSS 6 95 डिग्री। साइड में मैं एल बी हाथ में दिखाकर आपको उसकी चैनल चेक कराता हूँ कि ये साइड में कैसे वर्किंग करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अहमद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद डिश नेटवर्क। ये देखें, B4 वाला चैनल जो है बिल्कुल ओके चल रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिग्नल फुल है। साइड में मैंने एल बी हाथ में पकड़ा हुआ है, एक हाथ में मेरी एल बी है और एक हाथ में मोबाइल आपको दिखा रहा हूँ उसकी चैनल लिस्ट। उसके बाद जो है कौन सी सेटेलाइट सेंटर पे मैंने मुंतखब की है 4 फुट पे, ये भी आपको मैं बताऊँगा। आज मल्टी सेटअप बना के आपको पेश कर रहे हैं 4 फुट पे। ये सेंटर पे मैंने जो है तार और एल बी फिट की है। ये देखें, NSS के चैनल रुक गए। अब सेटेलाइट मुंतखब करते हैं। जी हाँ, तो सेटेलाइट का नाम है ABAS 75Q। जी हाँ, ABAS 75Q जो है आप सेंटर में फिट करके उसके साथ और बहुत सारे सेटेलाइटें एंजॉय कर सकते हैं। तो ABAS 75Q के सेटेलाइट मैं आपको चैनल लिस्ट उसकी चेक कराता हूँ। ये बहुत मुनफरद और लाजवाब सेटेलाइट है। अगर आप चाहें तो APSTAR 76 भी इसमें लगा सकते हैं। ये ABAS 75Q के चैनल हैं। उसके बाद मैं दूसरी सेटेलाइट भी आपको चेक कराता हूँ। अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जो लोग हमारे वीडियो पर नए आए हुए हैं उनको भी खुश आमदीद करते हुए अपने इस चैनल पर वेलकम करते हैं। ये तार हटा कर अब दूसरी एल बी में फिट करते हैं। ये इस एल बी में मैंने तार को सेट किया है और बताता हूँ कि इस एल बी पर कौन सी सेटेलाइट चल रही है। जी हाँ, ये तार लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा धूप का मसला है इसीलिए रिज़ल्ट क्वालिटी आप तक कम पहुँच रही है, इसके लिए हम माजरत ख्वाह हूँ। ये तार सीधा रिसीवर के बाद मैं टीवी की तरफ आया और ये देखे LM 75 के चैनल रुक गए। अब सेटेलाइट मुंतखब करते हैं। ये सेटेलाइट का नाम है YA 52 डिग्री। जी हाँ, LM 75 से आप YA 52 डिग्री बआसानी सेट करके उसके चैनल लिस्ट चेक करें, इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी वाले चैनल और इसमें फुल वर्किंग सिग्नल हैं, कोई कटिंग और कोई नो सिग्नल की बात नहीं है। ये या सेट की सेटेलाइट मैं आपको चेक करा रहा हूँ। पहले मैंने आपको NSS 6 95 डिग्री के चैनल चेक कराए, उसके बाद मैंने 75 ABAS के चैनल आपको चेक कराए। अब आए हैं या सेट की तरफ और या सेट से तार जो है अब इस एल बी में ऐड करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी सेटेलाइट चलती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो ये तार मैंने निकाली और अब इस एल बी में उसको ऐड कर रहे हैं और देखते हैं कि इसमें कितने चैनल और कौन सी सेटेलाइट हमारे पास विसल हुई है। वो सेटेलाइट का नाम भी आपको बताते हैं और चैनल लिस्ट भी चेक कराते हैं। ये देखें, मैंने उस एल बी से तार हटाया तो या सेट के सिग्नल नो सिग्नल हो गए ये चैनल। ठीक है, अब जो है सेटेलाइट है वो है INSAT 62 डिग्री। जी हाँ, INSAT 62 डिग्री अरब की एक सेटेलाइट है जिसमें अरब के बहुत सारे चैनल अच्छी क्वालिटी में चल रहे हैं। इससे पहले भी मैंने इस सेटेलाइट पर एक वीडियो बना के आपसे शेयर की थी, यकीनन उस वो वीडियो आपने देखी होगी और पसंद और लाइक और शेयर ज़रूर की होगी। तो हमारी कोशिश रहती है कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आप तक पहुँचें और हम इस बात पर अंदाज़ा उसी बात पर लगाते हैं कि आप हमारे वीडियो को पसंद भी करते हैं, लाइक और शेयर भी करते हैं। इसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं और वक्तन फ़वक्तन आप तक अच्छी अच्छी अपडेट पहुँचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में ये मल्टी सेटअप बनाकर आपकी खिदमत में पेश किया, यकीनन आपको पसंद आया होगा। एक मरतबा फिर आपको बताते चलूँ कि 75 जो है ABAS सेंटर पे मैंने लगाया, उसके साइड में मैंने NSS 95 लगाया और उसके बिल्कुल साइड में जो है 62 डिग्री INSAT लगाया और दरमियान में आखिर में जो है मैंने YA 52 डिग्री लगाया। ये YA 52, ये 62, ये 75 और उसके साथ आप NSS 95 डिग्री के चैनल रिसीव कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक अपने दोस्त को दीजिए अल्लाह निगहबान।